दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बेहद अहम है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना भी हो चुकी है। इंग्लैंड पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन क्या किया, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में किस खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में खिलाना चाहिए, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर खेला जाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिहाज से ये जीत काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कप्तान विराट कोहली के पास मौका है आईसीसी खिताब को अपने नाम करने का। आपको बता दें, वैसे तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत को चेतावनी देते हुए पहले ही जाहिर कर दिया है कि ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह पर खासा जिम्मेदारियां रहेंगी कि वो अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि 24 सदस्यीय भारतीय टीम तो पहले ही घोषित की जा चुकी है और मुंबई में पहुंच गई थी, जिसके बाद क्वारंटाइन पीरियड को खत्म करने के बाद खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, जहां विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होते हुए एयरपोर्ट पर देखे गए, जबकि जसप्रीत बुमराह को भी पत्नी संजना के साथ देखा गया। वहीं इसके साथ ही स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। भारतीय टीम मुंबई से सीधा लंदन पहुंची थी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के साथ में महिला क्रिकेट टीम भी पहले लंदन पहुंची थी, लेकिन उसके बाद वहां से साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो गए। साउथहैम्पटन पहुंचने के बाद तो भारतीय खिलाड़ी अपने पहले ही दिन को इंग्लैंड में खूब एंजॉय करते हुए देखे गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने साउथहैम्पटन के शानदार मैदान पर खूब फोटोज क्लिक किए और इस मैदान का मजा लेते हुए नजर आए। जसप्रीत बुमराह ने भी इस शानदार मैदान की बालकनी पर खड़े होकर एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की, जिस पर उनके फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही ऋषभ पंत और रोहित शर्मा साउथहैम्पटन के इस मैदान पर पहले दिन मस्ती करते हुए नजर आए। दोनों ने एक साथ तस्वीर अपने फैंस के लिए साझा की। वहीं ईशांत शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ देखे गए, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज डालते हुए लिखा, रीच द डेस्टिनेशन। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर भी मस्ती करते हुए नजर आए। दोनों ने एक सेल्फी भी ली और इंग्लैंड पहुंचने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी इस शानदार मौके का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साउथहैम्पटन के मैदान पर एक तस्वीर साझा की। वहीं केएल राहुल ने भी एयरपोर्ट पर अपनी एक और तस्वीर को साझा किया, जिसमें वो ईशांत शर्मा और उनकी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने होटल में एंजॉय करते हुए सेल्फी ली। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी इंग्लैंड में इस शानदार मैदान का लुत्फ उठाते हुए देखे गए। उन्होंने भी एक दूसरे के साथ काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। भारतीय महिला टीम को 16 जून से ब्रिस्टल के मैदान पर अपना टेस्ट मैच खेलना है, जबकि भारतीय टीम 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमें इंग्लैंड के मैदान पर इतिहास रच पाएंगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।